पहुंचे। आपको बता दें कि रायपुर पहुंचे नड्डा ने कहा कि आज मुझे रायपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज गति विकास हुआ है। रमन सिंह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं जमीन पर लाने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसके ठीक पहले बैठक भी होती है और मुझको पार्टी ने मौका दिया कि बैठक में शामिल रहूं। और जिस मैं यह था और तबीयत की स्थिति बहुत बढ़िया है, काफी सुधार है। मेरे ख्याल है अगले 24 घंटे में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सारे टेस्ट पॉजिटिव है, बहुत प्रसन्न है बच्ची, बहुत खुशी हुई। तो जल्दी उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नहीं किया है और उसमें कोई विषय नहीं है। 49 बहुमत के साथ अगर समय जीत गया है तो उसमें कोई विषय नहीं। कितने वोट की उम्मीद है? ज्यादा हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है। जी हाँ, तो ये आप रमन सिंह को सुन रहे थे। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में हैं और अभी उनकी पोती की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो अचानक से दिल्ली पहुंचे थे। इसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे पत्रकारों से कि किस तरीके से उनकी पोती की तबीयत में अब सुधार हो सकता है। रायपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल विधायक दल की बैठक है, उसमें भी मैं शामिल हूंगा। हमारे यहाँ साधारणतः जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो विधायक दल की बैठक उसके पूर्व बुलाई जाती है और मेरा बड़ा पुराना संबंध छत्तीसगढ़ से है और विशेष प्यार भी। तो ये मौका मुझे मिला है, पार्टी ने मुझे कहा है कि इस बैठक में, साधारणतः जब भी बैठक होती है तो कोई ना कोई बाहर से पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, उसी दृष्टि से मैं भी आया हूं। कल बैठक के पश्चात वोटिंग होगी, उसमें सभी विधायक भाग लेंगे, इसी दृष्टि से मैं आया हूं। छत्तीसगढ़ जिस तीव्र गति से रमन सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय है और सभी लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश पे लाने में सफल रहे हैं। उसी मापदंड पर हम और आगे बढ़ें इसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वह जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार लगा रही है और भी उसको अच्छे तरीके से कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है, इस पर हम समय समय पर चर्चा करेंगे। मोदी केयर जो योजना है वो आज अनाउंस किया, क्या है ये, इसके बारे में? मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भारत यह देश के लगभग 5 करोड़ परिवार जो सोशल इकोनॉमिकली कास्ट सेंसस में आते हैं, यानी 10 करोड़, क्षमा करिए ना, 10 करोड़ परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में अरुण जेटली जी ने जो घोषणा की थी आयुष्मान भारत की, उसको कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत जो SECC का डाटा है उसमें लगभग 10.5 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग के आसपास, उनको प्रति वर्ष प्रति परिवार जिसकी साइज जितना बड़ा भी हो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा, इसको कैबिनेट ने कल मोहर लगाई है। साथ ही साथ जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो पहले प्राइमरी स्टेज पर जच्चा बच्चा माता और बच्चे की चिंता कर रहे थे, वह अब वेलनेस सेंटर में बन जाएगा और उसमें डेंटल केयर, मेंटल केयर, हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, सारे केयर उसमें जुड़ेंगे।
तो वैसा वेलनेस सेंटर बनेगा। इस तरह की व्यवस्था पर कल मोहर लगाई है, अब हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और आने वाले समय में लगभग जुलाई महीने के अंत तक हम उसका आईटी सिस्टम तैयार कर लेंगे। यह कैशलेस होगा, यह पेपरलेस होगा और इसका फायदा सीधे इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। इसमें पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे और हमारे लगभग अभी तक 1372 प्रोसीजर्स एक्सेप्ट हुए हैं। वो 1372 प्रोसीजर्स में फाइन ट्यूनिंग की जा रही है जिस पर हम ये इकोनॉमिक पैकेज, ये इंश्योरेंस पैकेज देंगे, तो उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी योजना है आदरणीय प्रधान।